तो फाइनली आ चुके हैं मास महाराजा अयदेवगन के सिंगम 3 के एक और एपिसोड में वापस। तो भाई क्या कुछ नई न्यूज है वो चल रही है। देखो अभी बोल भुलैया 3 एंड सिंगम 3 भाई दोनों मेकर्स की बात करें अपनी कवर है वो कस चुके हैं, क्लैश कन्फर्म है, डेट सिमिलर है। एंड अभी देखो शो केसिंग भाई ये एक बड़ा मुद्दा है वो रहने वाला है। देखो अभी बात करें हॉरर फिल्म में क्या वर्क कर रही हैं आप उसी को पता ही है। बात करें भाई एक्शन फिल्म भाई ये सिंगम 3 है ये एंड ऊपर से फ्रेंचाइजी, ऊपर से सिंगम भाई एक सिंगम नहीं है, ये एक टाइटल नहीं है, ये कॉप यूनिवर्स है। एंड रवि शेट्टी की बात करें अब तक की कॉप भाई उनका 100% हिट रहा है और ये ब्रांड है। और अजय देवगन अब तक की बात करें उनकी करियर की एक बेस्ट फिल्म है गाइस वो रहने वाली है। इवन अब तक की बात करें उनकी बेस्ट फिल्म में से एक ही है सिंगम 1। सिंगम 2 मुझे अभी भी याद है 2011 भाई वो वाले पोस्टर्स वो वाला सेलिब्रेशन, अगर हो सके मेरे पास तस्वीरें होंगी भाई मैं साइड में लगा दूंगा, ये वाला देख लो आप सम होगा अगर मेरे पास वो फोटो वगैरह। तो भाई ये 11 का था और अभी 24 चल रहा है मेरे भाई। एंड वो टाइम और एज ऑफ नाउ टाइम क्या है मेरा भाई, ये पिक्चर मेरे भाई फाड़ने वाली। अगर ये सोलो में आती तो 50 करोड़ प्लस नेट तो ऑलमोस्ट कन्फर्म ही था। चलो अभी 50 करोड़ मेरे को थोड़ा डिफिकल्ट है गाइस वो लग रहा है। फिलहाल छोड़ो बात करने वाला है गाइस शो केसिंग एंड स्क्रीन्स भाई कितनी मिल सकती हैं ओपनिंग डे में। क्या यहाँ पे रोहित शेट्टी भाई कुछ काम कर रहे हैं या फिर भाई हम देख रहे हैं यार आज अपडेट आएगा कल आएगा, व्हाट मेकर्स भाई टोटली ऑफ साइलेंट है। देखो बात करें यहाँ पे सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूट कौन करने वाला है, भूलभुलैया 3 एंड साथ में सिंगम 3। देखिए सबसे पहले भूलभुलैया 3 की बात करें गाइस ए फिल्म्स है वो डिस्ट्रीब्यूट करने वाला है ऑल ओवर इंडिया। और ए फिल्म्स आप सबको पता है कि भाई वो शो केसिंग के मामले में सबसे आगे हैं। हमने देखा डंकी सलार क्लैश हुआ एंड 50-50 ऑलमोस्ट शोज काउंट है गाइस वो मिले थे सलार एंड डंकी को भाई एसआर के आफ्टर पठान जवान देखे आ रहे थे 50-50% भाई शोज। इससे ये पता चलता है कि भाई उनका मतलब कि एज अ डिस्ट्रीब्यूटर वो कितने ज़्यादा भाई स्ट्रॉन्ग है। एंड वो भूलभुलैया 3 को भाई डिस्ट्रीब्यूशन है वो करने वाले हैं। बात करें यहाँ पे सिंगम 3 की भाई यहाँ पे रोहित शेट्टी को चुपचाप नहीं बैठा वो बंदा भाई, वो भी सही इस्तेमाल कर रहा है इसका भाई, वो PVR एंड INX पिक्चर के साथ ऑल ओवर इंडिया में भाई ये डिस्ट्रीब्यूशन है वो करने वाले हैं भाई। PVR INX है वो ऑल ओवर इंडिया में सिंगम 3 को रिलीज है वो करने वाला है मेरे भाई। एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है मतलब कि मल्टीप्लेक्स अच्छे खासे मेरे भाई शोज है वो मिलने वाले हैं। सुनने में आ रहा है कि 60% के आसपास शोज है जो मल्टीप्लेक्स के वो सिंगम 3 को मिलेंगे। और आपसे को याद ही होगा यही मैंने न्यूज़ ऑलमोस्ट 1 मंथ पहले ही बताया था कि भाई 60% जो शोज काउंट है वो सिंगम 3 को मिलने वाले एज अ मल्टीप्लेक्स सिंगल स्क्रीन। अब ये देखना दिलचस्प होगा बट खबर आ रही कि भाई सिंगल स्क्रीन के जो थिएटर ओनर्स है भाई वो संपर्क कर रहे हैं रोहित शेट्टी जी से भाई सिंगम 3 सिंगल स्क्रीन में फाड़ने वाली है। देखो स्पेशली महाराष्ट्र की बात करें अब तक भाई अजय का हम करियर उठा के देखें उनकी मूवीज़ तो भाई महाराष्ट्र में अच्छी कमाई करती है। इवन मुंबई की बात करें तो मुंबई का राजा अजय देवगन तो वहाँ पे भाई इनको अच्छी खासी शोज ग्राउंड है वो मिलने वाले हैं। टक्कर होने वाली है नेक्स्ट भाई दिल्ली, दिल्ली में हॉरर फिल्में अच्छा वर्क करती हैं, दिल्ली एंड गुजरात यहाँ पे भाई 50-50 शोज है वो मिलने वाले हैं। सिंगल स्क्रीन की बात कर रहे हैं मल्टीप्लेक्स जाहिर सी बात है कि यहाँ पे सिंगम अगेन का पलड़ा है गाइस वो भारी रहेगा। 60% शोज काउंट है वो सिंगम 3 को मिलेंगे, 40% शोज है गाइस वो मिलेंगे भूलभुलैया 3 को। एक और एग्जाम्पल पकड़ दें एज अ स्क्रीन की बात करें तो आई थिंक 3,000 एंड 3,500 के आसपास स्क्रीन है गाइस वो मिलने वाली ओपनिंग डे सिंगम अगेन को। मुझे पता है आप सभी बोलेंगे यार ये पिक्चर डिजर्व करती है 5,000 के आसपास, सच्ची यार 5,000 ये पिक्चर डिजर्व करती भी है बट क्या करें क्लैश में आ रहे मेकर्स तो भाई क्या ही कहा जा सकता है। एंड 2,000-2,500 के आसपास मेरे भाई स्क्रीन्स है वो मिलने वाली है भूलभुलैया 3 को। और ये पिक्चर भी ऑलमोस्ट 4,000 के आसपास स्क्रीन्स है गाइज वो डिजर्व करती है बट नहीं मिल पाएंगी। क्लैश है दोनों बड़ी फिल्में हैं, दोनों का यहाँ पे तीसरा पार्ट आ रहा है एंड ये अजय की करियर की बेस्ट फिल्म है एंड साथ में कार्तिक आर्यन की करियर की बेस्ट फिल्म है भूलभुलैया 3। तो दोनों के बीच में ये कांटे की टक्कर है गाइस वो रहने वाली है। एंड सेकंड देखो अभी ए फिल्म्स यहाँ पे उन्होंने रिलीज़ की देवरा, ठीक उनके पास शोज़ रहेंगे नेक्स्ट भाई वो सीधे अपने डायरेक्टली शोज देने की कोशिश है वो करेंगे भाई भूलभुलैया 3 को। और बीच में कहीं मतलब कि अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला भूलभुलैया 3 को तो फिर वापस गाइस शोज है वो दे दिए जाएंगे सिंगम अगेन को। नहीं तो अगर ठीक ठाक चलता रहा 1 मंथ तक नेक्स्ट भाई उनकी ए फिल्म्स की नेक्स्ट फिल्म आ रही है पुष्पा 2 6 दिसंबर तो भाई वो सीधा डायरेक्टली शोज है
वो पुष्पा टू को दे देंगे, मतलब कि सिंघम के शो अच्छे खासे चले जाएंगे। तो यहाँ पे रोहित शेट्टी कहना होगा कि अच्छे खासे माइंडसेट के साथ भाई मैदान पे उतरते हुए दिखाई है वो दे रहे हैं, और हमें भाई यही तो चाहिए था। PVR INOX आ रहा है तो जाहिर सी बात है कि भाई अच्छे खासे शोज काउंट है वो मिलने वाले हैं। बात करें गाइस अब ट्रेलर की, देखो अभी सिंघम 3 कुछ भाई मेकर्स अब तक मटेरियल भी नहीं दिया है, प्रमोशन भी नहीं वो कर रहे हैं। एंड बात करें भुलभुलैया 3 भाई, वो टीजर भी दे चुके हैं, दो भाई वो पोस्टर्स भी दे चुके हैं, और अच्छा खासा हमें हाइप भी देखने को मिल रहा है। हाँ, टीजर ने उस लेवल का काम है गाइस वो नहीं किया, जो गाइस पर्सनली मुझे भी उम्मीद थी। जब मैंने टीजर का रिव्यू किया था मैंने तब भी कहा था यार ये टीजर उस लेवल का हमें नहीं दिखा है। आप 500-600 CR नेट नहीं सोच रहे हो, आप भाई 200-250 इससे काम नहीं चलेगा। मुझे पता है पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है, वो पिक्चर अच्छा ऐसा कलेक्शन है वो निकाल देगी, बट आप नाम से बिजनेस नहीं निकाल सकते। पिक्चर के बीच में काम भी हार्ड होना चाहिए, जो कि हमें टीजर में दिखाई है वो नहीं दिया है। बात करें सिंघम की, भाई सुनने में आ रहा है कि फर्स्ट ऑफ वीक अक्टूबर की बात करें हमें मटेरियल है गाइस देखने को मिलेगा, ट्रेलर आने के चांसेस है। मैंने एक मंथ पहले ही बताया था कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक में ही ट्रेलर है वो आएगा। लेट्स सी गाइस, देखते हैं एंड मेकर्स भाई कब तक ये ऑफिशियली अनाउंसमेंट है वो करते हैं, एंड एक ऑफिशियली भाई पोस्टर है वो आने वाला है जल्दी, वेट करते हैं। हाँ, डे वाइज एडवांस बुकिंग भुलभुलैया 3 एंड साथ में सिंघम 3 दोनों की भाई अपडेट आपको इसी चैनल पर मिलता रहेगा। तो कर क्या रहो भाई, जल्दी से करो चैनल को सब्सक्राइब इस वीडियोस के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए